हेलो दोस्तों, पी वी इलेक्ट्रोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो आपको बताने वाला हूँ इंडक्शन के जो आपके जेपीएम कॉइल का जो पॉइंट कसते हैं दोस्तों, वो ज़्यादातर जल जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस इंडक्शन में पूरा जल गया था ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों। ये तो अच्छा था लेकिन ये पूरा जल गया था। ओके, जो थिम्बल रहते दोस्तों यहाँ पे जो लगे होते दो जेपीएम कसते दोस्तों कॉइल का, दोस्तों जो पॉइंट एक जो पॉइंट है दोस्तों वो कसते हैं, वो अक्सर चल जाते हैं दोस्तों। ओके, तो आपको क्या करना है, अभी दोस्तों इसके अंदर पूरा चल गया था तो इसको मैंने क्या किया दोस्तों, ये जो थिम्बल है दोस्तों वो निकाल के फेंक दिया। ओके, और यहाँ पे ये जो वायर है दोस्तों 6 mm का जाड़ वाला जो कॉपर वाला ओरिजिनल वायर आता दोस्तों, उसको यहाँ पे मजबूती से शोल्डर कर दिया दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पे भी किया है और यहाँ पे भी किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, एकदम आपको मजबूती से शोल्डर करना है, पूरा एकदम भर के एकदम शोल्डर करना है। यहाँ पे भी एकदम मजबूती से शोल्डर किया है। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए ऐसे ट्रैक कट गया था तो इसको पूरा एकदम मजबूत तरीके से शोल्डर कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, मान लीजिए आपका यहाँ से ट्रैक ज़्यादा जल गया है तो अच्छे से आपको साफ़ करना है, और ये जो वायर है इसके साथ आप जो तार आता मोटा वाला वो भी आप यहाँ से यहाँ तक शोल्डर कर सकते हैं, लेकिन एकदम आपको मजबूती से शोल्डर करना है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको आपको 6 mm का ऐसा वायर का पीस लेना है जाड़ वाला, आपको वो कहाँ पे मिलेगा, ऑटोमोबाइल के जो शॉप आते दोस्तों वहाँ पे मिल जाएगा। और इस टाइप के दो दोस्तों जो क्लिप आती है, ओके दोस्तों 7 नंबर में या 8 नंबर में भी ले सकते हैं, इसको अच्छे से आपको यहाँ पे वायर के साथ अटैच करना है, अच्छे से दबा के मजबूती से एकदम। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे भी मजबूती से आपको शोल्डर करना है, तो आपका जो जल्द की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी फ्रेंड्स। ओके, तो ये बहुत पुराना दोस्तों इंडक्शन है, देख सकते हैं आप, बहुत पुराना जो बजाज का पॉपुलर जो मॉडल आता है फ्रेंड्स वो पुराना है दोस्तों, तो इसके अंदर जलने की समस्या थी तो अभी ख़त्म हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, इससे आपकी कॉइल भी ख़राब होती है दोस्तों। ये देखिए, अभी इसके अंदर में न्यू कॉइल ऐड करने वाला हूँ, तो आपको अभी इसे दोनों आपको 7 नंबर के जो नट आते दोस्तों नट बोल्ट वो लेने हैं आपको, और अच्छे से आपको इसको कसना है। जो मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ही यहाँ पे क्लिप आती दोस्तों वैसे आपको यहाँ पे लगानी 6 mm की मोटी वायर जो कॉपर में ओरिजिनल आएगी वो यूज़ करनी है, और अच्छे से आपको के अंदर डाल के आप यहाँ पे मैंने स्क्रू यूज़ किया फ्रेंड्स, आप इसको बोल्ट यूज़ करेंगे तो और मजबूती से आपको टाइट करने के आसान रहेगा दोस्तों, टाइट करने के लिए। ओके, तो अभी दोस्तों आपको ये 7 नंबर की चाबी लेनी है, जो सादी चाबी आती है दोस्तों वो भी चलेगी आपको, और इसको एकदम मजबूती से आपको टाइट करना है फ्रेंड्स। ओके, देखिए फ्रेंड्स, एकदम आपको मजबूती से टाइट करना है, बिल्कुल यहाँ पे ढीला नहीं छोड़ना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे स्पार्क कभी ढीला रहेगा तो दोस्तों यहाँ पे स्पार्क होगा तो फिर से प्रॉब्लम आएगा। ओके, तो ऐसे आपको दूसरे साइड भी लगाना है, एकदम मजबूती से आपको ऐड करना है। इससे दोस्तों आपका जो स्लो हीटिंग का प्रॉब्लम रहेगा दोस्तों वो भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जो एम्पियर कम लेती है इंडक्शन तो इसकी वजह से भी लेती है। ओके फ्रेंड्स, ये भी एक कारण रहता है उसके अंदर। इसको आपको अच्छे से फुल टाइट करना है, या फिर मैंने स्क्रू यूज़ की है, आप बोल्ट यूज़ करेंगे तो अच्छा टाइट होगा। ओके देखिए फ्रेंड्स, एकदम मजबूती से आपको टाइट करना है इसको। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम मजबूती से आपको इसको टाइट करना है, और इसके बाद आपको सॉल्यूशन टेप लेनी है और इसके बाद जो जो बोल्ट है उसके ऊपर मार देनी। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, एकदम मजबूती से आपको मारनी है ताकि कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो। ओके फ्रेंड्स,
इसको भी एकदम अच्छे से आपको मारेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए एकदम मजबूती से इसका जॉइंट हो गया। अभी जो ऐसे ट्रैक जलने की समस्या थी दोस्तों, ये ख़त्म हो जाएगी। अभी ये कभी नहीं चलेगा, बहुत मजबूत। अभी यहाँ पे मैंने शोल्डर कर दिया, आप देख सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। ओके, तो आपको एकदम मजबूती से इसको शोल्डर करना है और अच्छे से इसको टेपिंग कर देनी ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल पर नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।